गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू एग्जाम वन। इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स एंड विच इज गोइंग टू टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ। ओके, सी एस आई आर जो ASO और ASO का जो एग्जाम होगा दैट विल टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ। सो वट आर द क्वेश्चन विल बी देयर, वट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर, दिस इज वट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे। इन दिस एग्जाम यू विल हैव सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉमन एरर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एज वेल एज जम्बल्ड सेंटेंसेस। तो सब तरह के आपके वोकेबुलरी और ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस सेक्शन। जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होंगे एंड यू विल कम अक्रॉस अ फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एग्जाम। ओके, दिस क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन पेपर एग्जाम्पल दूसरा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे यू विल से दैट यस सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ओके, यू विल कम अक्रॉस मैनी क्वेश्चन आई एम प्रीटी श्योर। सो कैसे करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन कैसे करते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, हाउ टू अंडरस्टैंड पैराग्राफ, हाउ टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझते तब तक हम क्या करते हैं, वी मेक मिस्टेक्स। सो वेदर इट इज इडियम एंड फ्रेज और यू कैन से सिनोनिम एंटोनिम या कोई एरर वाला क्वेश्चन होता है या सेंटेंस रिअरेंजमेंट के पैराग्राफ होते हैं, सेंटेंसेज होते हैं, जम्बल्ड सेंटेंसेज एंड टॉकिंग अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और पैसेज वी आर नॉट एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो हाउ टू डू दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम ये करना चाहते हैं, जैसे हमने बोला था कि जैसे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। चार ऑप्शन भी हमारे पास, तो पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या, चारों ऑप्शन पढ़िए। उसके बाद दो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए एंड जो क्लोज हैं उनको भी रखिए, उसके बाद उसमें से आप, ये तो एक तरीका होता है। लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना है कि ईडीएम है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडीएम। इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो मीनिंग होती है नॉर्मल मीनिंग नहीं आती, जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं उनके आंसर सीधे निकल जाते हैं। इनको हम जो है पढ़ने के बाद सेंटेंस में देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आर टिपिकल, यू कैन से लिटिल बिट डिफिकल्ट रादर देन नॉर्मल वर्ड्स। तो अ लाइव वायर, पहला है आपका अ लाइव वायर। क्या होता है लाइव वायर, वायर तो है ना आपके पास अ लाइव, अगर कोई चीज लाइव होती है इसका मतलब क्या है, समथिंग इज एक्टिव, something is active, something is dynamic. If something is dynamic, active, lively, that is called a live wire. उसी से बनता है, wire से बनता है a live wire. कैसी wire है, a live wire. If something is live, it means that will be dynamic. That will be dynamic, that will be active. तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके आधार पर हम question put कर सकते हैं, answer दे सकते हैं। पहला option पढ़िए जरा, पहला कह रहा है An angry and bad-tempered person. दूसरा है a dangerous and evil person. तीसरा a very active or energetic person. और चौथा कह रहा है an influential and powerful person. बताइए, अभी बताया था ना मैंने alive जहां पे आएगा इसका मतलब something will be active. तो तीसरा ऑप्शन इशारा कर रहा है a very active or energetic person. कहते ना he is a live wire. He is a live wire person. इसका मतलब someone who is active, dynamic, go-getter and passionate about doing something. If you are passionate about doing something, इसका मतलब you are a live wire. You will be called a live wire. So you have to be a live wire ahead of your exams. Exam से पहले आपको भी क्या करना है? You need to be a live wire. Be active as well as energetic person. Energetic स्टूडेंट, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सी का मतलब है सी फॉर कैट। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर टू मारा हूं, देखना क्वेश्चन नंबर टू देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है आपका डिराइड, DERID, डिराइड करना। डिराइड का मतलब क्या होता है, उसका सिमिलर मतलब क्या होता है, सिनोनिम है, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन देखिए अप्रूव, एडमायर, लिफ्ट या मॉक। मॉक जानते ना, अप्रूव का मतलब स्वीकार करना, एडमायर मीन्स तारीफ करना, लिफ्ट टू लिफ्ट समथिंग, एडमायर एप्रिशिएट और डिराइड का मतलब आता है मॉक। मॉक से मतलब मॉकरी, वन काइंड ऑफ लाफ्टर, मॉक डिराइड। ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी डी फॉर डेली। कौन सा जा रहा है, डी फॉर डाला डेली है। अब आता है प्यान्यारा, प्यान्यारा
सो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा। तो यहां पे हम लेंगे अब आपका डिराइड का मतलब हो गया आपका आंसर हो जाएगा मॉक, करेक्ट आंसर होगा डी फॉर डेली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सॉरी सम पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेंस एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेंस द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पहले सेंटेंस पढ़ लेना पूरा। फोर ऑफ अर्लिएस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ और नियर लार्ज रिवर्स। तब आपके पास चार ऑप्शंस हैं, पूरा पढ़ लिया। और नियर लार्ज रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, फोर ऑफ द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशंस या वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ समथिंग। देखिए वी आर द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट पास्ट। पास्ट के लिए क्या यूज करते हैं? जो ओल्ड चीज होती है इसके लिए क्या बोलते हैं बता रहे बताइए। अर्लिएस्ट सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, इतने मॉडर्न है ना, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आजकल की हुई, इससे पहले क्या होगा एंशियंट या ओल्ड। तो अर्लिएस्ट इज नॉट अ राइट वर्ड टू से। हाउ टू डिस्क्राइब सिविलाइजेशन, कोलोकेशन होते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन, ओल्ड सिविलाइजेशन या एंशियंट सिविलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो हम बेटर वर्ड क्या यूज करेंगे सिविलाइजेशन के लिए? अर्लियर का यूज करना दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, तो इसलिए करते हैं, इसे बोलते हैं कोलोकेशन। इंग्लिश में कोलोकेशन होते हैं कौन सा वर्ड किस चीज को डिस्क्राइब करेगा। तो यहां पर एक तो आर्टिकल आएगा कौन सी, द फोर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, द फोर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा जा रहा है बच्चों? ऑप्शन जा रहा है आपका इसमें पहले वाले एरिया में अलाइन है, तो आप ऑप्शन में आइए जरा। ऑप्शन में जब आएंगे तो ऑप्शन आने के बाद क्या पता चलेगा आपको? ऑप्शन में आने के बाद पता चलेगा कि यहां पर आ रहा है आपका सी वाला ऑप्शन। इस सी वाले को हम टिक करेंगे, इसको हम सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, द फोर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बट नॉट अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? न्यू मॉडर्न सिविलाइजेशन और ओल्ड सिविलाइजेशन बट नॉट अर्लियर। तो यहां हो जाएगा द फोर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर तुम आइए जरा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड वन ऑफ देम कंटेंस एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेंस एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको ये तो निश्चित है कि पेपर में दे दिया उसने कि जो क्वेश्चन है उसमें एक पार्ट में एरर है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट एरर। पहला देखिए क्वेश्चन पढ़िए। नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। पढ़ लिया आपने, ठीक है। नो सूनर के साथ जब सेंटेंस शुरू होता है तो हम क्या करते हैं? नो सूनर के साथ सेंटेंस शुरू होने में क्या करते हैं बच्चों बताइए? नो सूनर के बाद दूसरा क्लॉज किस में आता है? किस दूसरा क्लॉज जब आता है उसको कनेक्ट करने के लिए क्या आता है? नो सूनर का जो कनेक्टर है वो क्या आपका केवल टी एस एन देन है। नो सूनर के बाद क्या आता है? देन। ये बच्चों को याद भी हो गया, कई बच्चों को बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नो सूनर के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? वेन के बदले क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए वेन। यहाँ पे देखिए नो सूनर के बाद आना चाहिए, ये वेन जो है गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए? ये वेन की जगह आना चाहिए टी एस एन देन। तो नो सूनर डिड प्रिया सही है, ये वेन वाला सेंटेंस यहाँ पे इसको हम सही करेंगे। वेन की जगह क्या होगा? देन। देन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट, जैसे मिला ही नहीं था, जैसे मिला वैसे ही, एज सून एज शी गॉट हर रिपोर्ट कार्ड शी स्टार्टेड जंपिंग विद, जैसे ही मिला उसको। नो सूनर का मतलब एज सून एज। नो सूनर का अपोजिट वर्ड क्या होता है? एज सून एज। तो क्लियर हो गया। नो सूनर डिड ही रीच द रेलवे स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल। नो सूनर डिड ही रीच द रेलवे स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। क्लियर? तो नो सूनर देन, और वेन कब आता है? हार्डली वेन। नो सूनर देन, स्केसली वेन। दीज आर सम बेसिक थिंग्स यू नीड टू मेमोराइज देम, ओके, रिमेंबर देम, लर्न देम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग idiom। idiom है आपका lions, lions share। lion कितना बड़ा होता है? ताकतवर होता है, पावरफुल एनिमल है ना। तो बताइए क्या होना चाहिए? lion share में लगा था, मतलब यू आर गेटिंग समथिंग बिग। इफ यू आर गेटिंग lion's share, इट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बिग, ओके। बिग शेयर मिलेगा आपको, यू विल गेट lion's share कहते हैं, यू विल गेट बिग पार्ट ऑफ समथिंग।
फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग पार्ट इन समथिंग एंड मैंने बोला एट द एंड ऑफ द यू कैन से परफॉर्मेंस यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बिग अर्थात यू विल गेट बिगर पार्ट ऑफ समथिंग. तो यहाँ लाइन शेयर का मतलब बनना चाहिए. पहला ऑप्शन देखिए द पार्ट दैट मस्ट बी लेफ्ट फॉर द गेस्ट इन द पार्टी नो. द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ लायन व्हेन इट इज अटैकिंग अ प्रे बिल्कुल बाहर का बिल्कुल गलत सेंटेंस है एब्सोल्युटली रॉन्ग. द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग ये देखिए द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग यू विल गेट. ओके तो ऑप्शन केवल क्या होना चाहिए ऑप्शन सी. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू. The most, the biggest part of something you are getting, that is called option C. वाले option को tick कर लो. ये वाला जाएगा. C वाला होगा आपका. The greatest and the most desirable portion of something you are going to get in your life. That is called lion's share. Question number 5. Question number 6. Select the most appropriate antonym of the given word. बहुत ही simple है. Comfort. Comfort का मतलब क्या होता है? बताइए. आराम, रिलैक्स, लग्जरी, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस. इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है. देखिए लग्जरी, एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस के सिनोनिम के आप लगभग लगभग सेम ही नहीं देने वाले हैं. कंफर्ट मींस लग्जरी, एंजॉयमेंट. इफ यू आर इन कंफर्ट जोन यू विल एंजॉय योरसेल्फ, यू आर हैप्पी. तो लग्जरी, एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस लगभग क्या है? सिनोनिम है. तो ढूंढना क्या आपको? अपोजिट वर्ड, दैट इज कॉल्ड एंटोनिम. वो होगा आपका डिसकंटेंटमेंट. What do you mean by discontentment? Dissatisfaction. When you are not happy with something. Maybe you are not happy with your life. Maybe you are not happy with your things. Maybe you are not happy with your performance. जिसे बोलते हैं discontentment, असंतुष्टि, dissatisfaction. You are not satisfied with what you are doing. You are not satisfied what you have got in your life. Right? Many people are not satisfied what they have got. लेकिन कई लोग क्या होते हैं? कंटेंटमेंट होते हैं अर्थात दे आर सेटिस्फाइड विद द थिंग्स दे हैव गॉट इन देयर लाइफ. कुछ लोग बहुत सारा होने के बाद दे आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल. तो दैट इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट. तो ऑपोजिट इसका मतलब सीधा हो जाएगा डी ऑप्शन, डी फॉर डेली. डिसकंटेंटमेंट इसका आंसर हो जाएगा. तो हम ऑप्शन को ले रहे हैं यहां पे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी फॉर डेली. ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6. कंपर्ट हो गया. सेवंथ में देखिए जरा. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है भाई. देखिए द पुलिसमैन सेड इनवर्टेड कॉमा और विद इन इनवर्टेड कॉमा के बाद देखिए इट इज क्लियर दैट दिस इज द वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल रोबर. ठीक है. द पुलिसमैन सेड, सेड का सेड ही रहता है, ध्यान रखना. इट इज क्लियर प्रेजेंट टेंस किसमें रहता है? पास्ट टेंस में. It was clear हो जाएगा. तो ऑप्शन देखिए. The policeman said that it was clear that this was the work of a professional robber. The policeman said it was clear that it is the work of a professional robber. The policeman said that it must be. देखिए must be बाहर कर दिया. Had been बाहर. C or D out of this sentence. Okay. तो C or D तो आ नहीं सकते हैं. It is clear क्या क्या? It was clear. The policeman said that it was clear. It was clear that this was the work of a professional robber. Yeah. Dusra dekhi. The policeman said, wo said ka sahi rahega. The policeman said that it was clear that, ab dekho, keval isme bhi ja raha hai, to isme sentence bahar ho gaya hai. Was ka kya hota hai? Is mr ka past kya tha? Was or were. To pehla sentence dekhi. The policeman said that it was clear that this was the work of a professional robber. The first sentence is absolutely right. It is clear. It was clear. एक तो कनेक्टर दैट आएगा और दूसरा वहां दैट आ रहा है. दैट दिस वॉज क्लियर. दैट दिस वॉज क्लियर द वर्क ऑफ. ओके द पुलिसमैन सेड दैट इट वॉज क्लियर दैट दिस वॉज द वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल रोबर. दूसरे में क्या है? इट वॉज क्लियर, लेकिन वहां दैट इज कर दिया उसने और मस्ट और हैड पहले बाहर हो गया. तो ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. द पुलिसमैन सेड दैट इट वॉज द क्लियर दैट दिस वॉज द वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल रोबर. तो ऑप्शन हो जाएगा वन. In the indirect speech, we change tenses, guys. Present tense is changed to simple past. Present indefinite tense किस मतलब है? Simple past tense में. Is mr का past क्या होता है? Was or were. That is very simple. And आपका ये हो गया. तो option A ले लो. कौन सा option हो गया? A.
ए और एप्पल ऑप्शन ए हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द एक्ट ऑफ हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वन स्लीप, जो आदमी सोते समय या नींद में बात करता है। इफ वी रिप्लेस द सेंटेंस विद वन वर्ड, व्हाट शुड यू से? द पर्सन हु टॉक्स इन हिज स्लीप इज कॉल्ड सोलिलोक्वी, प्रोलॉग, सोलिलोक्वी या मोनोलॉग, बताइए। सोलिलोक्वी तो आपने सुना होगा, विलियम शेक्सपियर ने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामास्ट ऑफ द वर्ल्ड, विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज में बहुत जगह सोलिलोक्वी का यूज किया है। अ पर्सन हु स्पीक्स टू हिमसेल्फ, अ पर्सन हु स्पीक्स टू हिमसेल्फ ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड सोलिलोक्वी। अपने से बात करते हैं, समटाइम्स आई टॉक टू माई सेल्फ अबाउट समथिंग, मे बी समटाइम्स यू विल बी टॉकिंग टू योर सेल्फ, ही विल बी टॉकिंग टू हिमसेल्फ, आप भी बात करते होंगे शायद। हर आदमी कहीं ना कहीं अपने से बात करता है, दैट इज कॉल्ड सोलिलोक्वी, बताइए। एक होता है आपका सोमलिलोक्वी, सोमलिलोक्वी का मतलब होता है अ पर्सन हु टॉक्स इन हिज स्लीप, जो नींद में, नींद आई रहती है लेकिन बात करता है, उसको पता नहीं चलता, डज नॉट नो वेदर इज टॉकिंग इन हिज स्लीप और नॉट, बट अनदर पर्सन टेल्स हिम दैट यस्टरडे आई नोटिस दैट यू आर टॉकिंग इन योर स्लीप। जब आपको पता चलता है, नहीं आपको नहीं चलता, यू डू नॉट नो वेदर यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ इन द स्लीप, यू डू नॉट नो अबाउट इट, बट अनदर पर्सन टेल्स यू अबाउट इट कि आप जो है नींद में जो बात करते हैं। कई लोग नींद में चलते हैं, कई लोग नींद में बात भी करते हैं। तो दिस एक्ट ऑफ हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वन स्लीप इज कॉल्ड सोमनिलोक्वी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन आ जाता है, तो आना चाहिए आपको, और ये एक तरह से दिस पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। सो इसको हम करेंगे, यहां से ऑप्शन आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन को हम टिक करेंगे, सी वाले को करेंगे, ये हो गया आपका सी। सी का मतलब है सोमनिलोक्वी, मींस होता है एक्ट ऑफ हैबिट ऑफ टॉकिंग इन योर स्लीप या वन स्लीप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दैट इज द वर्ड है आपका कॉन्सीट से बनता है कॉन्सीटेड। कॉन्सीटेड मींस क्या होता है? जो आदमी, अ पर्सन हु इज नॉट मॉडेस्ट, हु इज अनफ्रेंडली, ओके, रूड और एरोगेंट, राइट, यू कैन नॉट अप्रोच हिम इजिली, वन कैन नॉट बी अप्रोच्ड इजिली, He talks about himself all the time, अपनी बात करता है, अपने में हो रहता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, या यू कैन से एक तरह से घमंडी जो होते हैं ना, जैसे दूसरों को धोखा भी दे सकता है, ही कैन चीट यू, ओके, ही कैन डिसीव यू, कंसीडर्ड पर्सन। तो इसका मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज रूड, अनसिविलाइज, यू कैन से, उसका अपोजिट हो जाएगा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट कौन होता है भाई? अ पर्सन हु इज सिंसियर, रिफाइंड, पोलाइट, फ्रेंडली, अप्रोचेबल, ओके, यू बी try to be a modest person in your life, okay? If you are modest, everybody will admire you in your life. So option हो जाएगा आपका, कौन सा option हो जाएगा? केवल हो जाएगा option A, modest person will be the correct option to this word, that is called conceited. Answer हो गया आपका A for apple, modest. Question number 10 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया है, द बॉयज क्रिकेट बॉल ब्रोक द नेबर्स विंडो, द बॉयज क्रिकेट बॉल ब्रोक द नेबर्स विंडो। देखिए, द बॉयज क्रिकेट बॉल जो है सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ब्रोक क्या आपका वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है ब्रेक का, ब्रोक सिंपल पास्ट में सेंटेंस है, द नेबर्स विंडो ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या होता है? वॉज या वर आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये वाला सेंटेंस देख लीजिए जरा, द बॉयज विंडो वॉज ब्रोकन बाय द बॉयज क्रिकेट बॉल, द नेवर्स विंडो वॉज ब्रोकन बाय द बॉयज क्रिकेट बॉल। देखिए दूसरा, द नेवर्स विंडो इज ब्रोकन, देखिए पास्ट में तो यहां पर प्रेजेंट नहीं आना चाहिए, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी इज रॉन्ग। सी, द नेवर्स विंडो हैड बीन, नो, टेंस बन नहीं बदलना चाहिए, ये भी गलत है, द नेबर्स विंडो वॉज ब्रोक का ब्रोकन होना चाहिए। तो ए बी सी डी में से केवल ए ऑप्शन सही जा रहा है, द नेबर्स विंडो वॉज ब्रोकन। विंडो क्या आपका सिंगुलर, तो वॉज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ब्रोकन, सिंपल पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज और वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द बॉयज क्रिकेट बॉल, ऑप्शन वन इज करेक्ट, ऑप्शन वन इज करेक्ट। ऑप्शन वन को हम ले लेंगे यहां से,
क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए, आप इसको देखिए, थोड़ा सा जंबल्ड सेंटेंस को तरीका बता देता हूं आपको मैं। सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेस इन राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ए बी सी डी में है आपके पास, पहले सेंटेंस को पढ़िए। मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन में जब जाते हैं तो आपको ये पता चलना चाहिए कैसे करते हैं। ऑप्शन देखिए, पढ़िए, टेक योर टाइम। चार ऑप्शन दिखा देता हूं आपको मैं, ये है आपके ऑप्शन, ये है आपके ऑप्शन, ओके। तो आप इनको पढ़ने के बाद मुझे बताइए कि मैंने आपको बहुत सारी क्लासों में जंबल्ड सेंटेंस को करने का एक शॉर्टकट बता रखा है। व्हेन वी सॉल्व दीज सेंटेंसेस, वी अरेंज दीज सेंटेंसेस, वी लुक एट द सब्जेक्ट फर्स्ट, ओके। जो पैराग्राफ का जो सब्जेक्ट होता है अर्थात ओपनिंग सेंटेंस को पहले फाइंड आउट करते हैं। इट कुड बी नाउन, नाउन फ्रेज, प्रोनाउन, ओके, एज वेल एज फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो सबसे पहले देखिए, दे स्टॉप एट अ विलेज ऑन द वे टू रेस्ट एंड ड्रिंक वॉटर एंड फाउंड द एंटायर विलेज हैड गैदर्ड टू वॉच अ वेट लिफ्टर हु वॉज पुटिंग ऑन अ परफॉर्मेंस। बी, ए बी, तेनाली वॉज वेरी इंप्रेस्ड एंड एक्सप्लेन, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब तेनाली जो स्टेटमेंट आ रहा है तेनाली का, वो तो किसी चीज की बात कर रही है, इसका मतलब ये तो बाद में आएगा, ठीक है। तेनाली वाला सेंटेंस सेकंड या थर्ड में आएगा। विद हिज बिग आर्म्स एंड बल्गिंग मसल्स ही पिक्ड अप 200 किलोग्राम बैग ऑफ राइस विद ईज। वन डे तेनाली रमन एंड हिज वाइफ वर ऑन देयर वे टू हम्पी। इसका मतलब सेंटेंस इशारा कर रहा है कि जब कोई चीज स्टार्ट होती है, व्हाट इज ऑल अबाउट द पैसेज, दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट तेनाली रमन एंड हिज वाइफ, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ। तो लेट मी स्टार्ट विद बी, बी से स्टार्ट करेंगे। वन डे तेनाली रमन एंड हिज वाइफ वर ऑन देयर वे टू हम्पी, यहां से हो गया। वी हैव टॉक्ड अबाउट तेनाली रमन एंड हिज वाइफ, दोनों की बात हो चुकी है। इसको रिप्लेस करूंगा दे स्टॉप एट अ विलेज। उसके बाद मैं दे क्यों लाया, इसलिए आया क्योंकि तेनाली रमन एंड हिज वाइफ बोथ आर नाउन हियर। नाउन को रिप्लेस कौन करता है, प्रोनाउन। नाउन इज रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन, तो नाउन के बदले क्या आता है, प्रोनाउन। तो दे स्टॉप्ड, जो दे किसके लिए आ रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट तेनाली रमन एंड हिज वाइफ, तेनाली रमन और उसकी वाइफ के लिए आ रहा है दे। इसका मतलब डी का लिंक किसके साथ है, ए के साथ, डी ए। तो डी ए किसमें, ऑप्शन ए में, बस हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना। अब इतने में ही आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए हो गया, डी ए सी बी। वैसे आप लगाएंगे तो आप चेक कर लो, आंसर तो मिल गया हमें, फिर भी चेक कर लेते हैं, देखना है। डी ए सी देखिए, विद हिज बिग आर्म्स एंड बल्जिंग मसल्स ही पिक्ड अप 200 किलोमीटर बैग ऑफ राइस विद ईज। सी पी कर है, तेनाली वॉज वेरी इंप्रेस्ड एंड एक्सप्लेन, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर आ रहा समझ में। वन डे से सेंटेंस शुरू हुआ, तेनाली रमन एंड हिज वाइफ, उनके साथ क्या, दे स्टॉप्ड एट अ विलेज ऑन द वे रेस्ट एंड ड्रिंक वाटर वाला हो गया। फिर सी कर है, विद हिज बिग आर्म्स, ये देखिए वो वर पुटिंग अप परफॉर्मेंस, तो उसके बाद विद हिज बिग आर्म्स आ रहा है, तेनाली वॉज वेरी इंप्रेस्ड, बी वाला ऑप्शन। डी ए सी बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, थैंक यू वेरी मच, ओके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन स्टेटमेंट इन द सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट या नो सब्स्टिट्यूशन। अब देखो मैं बता देता हूं आपको, क्वेश्चन पढ़िए पहले। सुरेश हैज ओनली बीन वर्किंग हियर सिंस 1 month एंड ही हैज ऑलरेडी लर्न द जॉब। थोड़ा अंडरलाइन वाला सेंटेंस बता देता हूं कौन सा है, एक मिनट। अब देखिए यहां पे आ रहा है, देखना यहां पे मैं इसको हियर सिंस 1 month वाला अंडरलाइन होना चाहिए था, ये सेंटेंस आएगा आपका, ये आपका सिंस 1 month, ये आपका अंडरलाइन वर्ड, ओके। इसको आप क्या करेंगे, अब देखिए सिंस 1 month को रिप्लेस कर रहे हैं। अब आपको बताया कि 1 month इज पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम वी यूज प्रीपोजिशन फॉर, तो कहना चाहिए फॉर 1 month, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ओके। यू हैव बीन टेकिंग क्लासेस फॉर 1 month बट नॉट सिंस 1 month, यू हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 1 month, फॉर 1 month या फॉर अ मंथ, फॉर 2 months, फॉर 3 months, फॉर 4 months, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, फॉर 2 weeks, फॉर 3 weeks, फॉर 2 hours, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 1 hour, for an hour, या for 1 hour, आ रहा है समझ, ओके, ठीक है। Since कब आता है, Since 2 PM, Since 5 o'clock, Since 6 o'clock, Since March, Since April, Since May, Since June, Since July,
since 2012. Okay, since morning, since afternoon, since evening. This is called point of time. When we talk about point of time, we use since. Talking about period of time, duration, we use for. 1 month क्या है? Duration है. 30 days make a month. For 1 month. Okay. Next question. Question number होगा आपका 13. पढ़िए जरा. A person who thinks that bad things are more likely to happen or who emphasize the bad part of situation. ऐसा होना नहीं चाहिए. कई लोग क्या होता है कि negativity ज्यादा होती है, उसके बाद क्या करते हो? They think negatively. You need to think positively all the time. Okay. So negative mind में कई विचार आते हैं तो उसको निकाल देना चाहिए. तो जो आदमी हमेशा जो है बुरी चीजों के बारे में सोचता है उसे क्या कहते हैं? एक होता आशावादी, एक होता निराशावादी. तो बोलते हैं उसे pessimist. Pessimist is a person who thinks that bad things are more likely to happen or who emphasizes the bad part of situation. That is called pessimist. Optimist कौन होता है? A person who thinks of good things all the time. तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये जा रहा है. कौन सा ऑप्शन जा रहा है भाई? ऑप्शन सी, पेसिमिस्ट. 14 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. ब्रेड, जानते हैं ब्रेड का मतलब क्या होता है? यू हैव 4 ऑप्शन, टेल मी द आंसर. बताइए बताइए. ओके, टेल मी द आंसर. रिच पर्सन, स्पॉइल्ड चाइल्ड, प्लम्प लेडी या वाइज मैन. ब्रेड क्या होता है? ब्रेड, कई बच्चे होते हैं ना आपने, ब्रेड मिसबिहेव्ड चाइल्ड, जो मिसबिहेव करता है. ओके, मिसबिहेव्ड चाइल्ड को बोलते हैं ब्रेड बॉय. ब्रेड स्टूडेंट हो सकता है, मिसबिहेव्ड चाइल्ड इसका मतलब है स्पॉइल्ड. SPOILED, स्पॉइल्ड मतलब मिसबिहेव्ड भी आ सकता है, इसकी जगह स्पॉइल्ड भी आ सकता है. तो ऑप्शन है स्पॉइल्ड चाइल्ड. तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है यहाँ पे बच्चे? यहाँ पे जा रहा है ऑप्शन बी, स्पॉइल्ड चाइल्ड. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. हिमांश हेल्थ हैज डैश एवर सिंस ही हैज रिफ्यूज्ड टू गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड. ऑप्शन है डेटीरियोरेटेड, डेप्रिसिएटेड, डिस्पेरेज्ड या डिग्रेडेड. सेंटेंस की मीनिंग को समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सेंटेंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. क्या कह रहा है सेंटेंस, ये समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना. समझे जरा क्या कह रहा है, उसके आंसर अपने आप मिल जाएगा. सेंटेंस कह रहा है कि उसकी जो हेल्थ जो है क्या हुई, खराब होगी. मतलब इसका मतलब खराब होने को क्या बोलते हैं इसमें, ऐसा ना हो किसी को. हिमांश हेल्थ हैज डेटीरेटेड, गेट वर्स. डेटेड का मतलब टू गेट समथिंग वर्स, जब कोई चीज बुरी हो जाती है उसे बोलते हैं डिटीरियोरेटेड. ए ऑप्शन जा रहा है. एवर सिंस ही हैज रिफ्यूज्ड टू गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड, जब से उसने मतलब अपने आप को इलाज करना उसने बंद कर दिया. तो इसका मतलब जब इलाज नहीं किया तो उसके उसका जब आप इलाज नहीं करोगे तो क्या होगा, योर हेल्थ विल गेट डिटीरियोरेटेड, अर्थात इट विल गेट वर्स. तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सेंटेंस की मीनिंग आ रही है हेल्थ के बारे में. हिमांश हेल्थ हैज डिटीरियोरेटेड एवर सिंस He has refused to get himself treated. जब से उसने ट्रीटमेंट लेने से इनकार किया है तब से जो उसकी हेल्थ जो है खराब हो गई, ये कहने का मतलब है. क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है? ए. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है. देखिए बहुत ही सिंपल है. प्रोफेसर, टीचर, हेडमास्टर, डायरेक्टर. टीचर, हेडमास्टर, डायरेक्टर, स्पेलिंग में इसमें किसी की गलती नहीं है. वैसे पढ़ने पता चलता है वो वर्ड बनना चाहिए प्रोफेसर, PROFESSOR. क्या होना चाहिए? PROFESSOR, प्रोफेसर. तो ऑप्शन ए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए क्या है आपका? प्रोफेसर है ना, तो ऑप्शन ए में होना चाहिए. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका प्रोफेसर, PROFESSOR. ओके, 16 देखिए. 17, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड. दो क्वेश्चन और आ चुके हैं. देखिए अब आता है रेफर्ड, राइम, रेस्टोरेंट और रिसीव. रेस्टोरेंट RESTAURENT होता है, RESTRAU होती है, RESTRAU TRA, रेस्टोरेंट RESTRURENT, रेस्टोरेंट RESTRU
टी ए यू नहीं होता, टी आर यू आर एन डी। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत है भाई, बड़ा सिंपल है, रेस्टोरेंट आर एस टी आर ए यू आर एन डी है, बहुत सिंपल है। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है आपका, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट आर ई एस टी आर ए यू आर एन डी, रेस्टोरेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फिर जंबल्ड सेंटेंस आ गया। देखो जंबल्ड सेंटेंस में देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन शॉपकीपर एंड माला। ए शॉपकीपर, हियर आई हैव पिक्ड देम ऑल, माला प्लीज गिव मी अ पैकेट ऑफ बलून्स, टू पैकेट्स ऑफ स्टिमर्स एंड सम कैंडल्स। सी शॉपकीपर, सिंस वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट ऑन द बलून्स, यू नीड टू पे ओनली 30 rupees। माला, हाउ मच डू आई नीड टू पे। ओके, यू हैव हर्ड द कन्वर्सेशन बिटवीन शॉपकीपर एंड अ कस्टमर, तो हु विल स्टार्ट और हु विल इनिशिएट द कन्वर्सेशन। जब आप दुकान में जाते हैं, व्हेन यू गो टू अ शॉप, हु स्टार्ट्स कन्वर्सेशन, यू और शॉपकीपर। बी ऑप्शन ए, बी से शुरू हो रहा है, बी में डी से, फिर सी से, फिर ए से, बताइए। अगर हम बी से लिखते हैं तो प्लीज गिव मी अ पैकेट ऑफ बलून्स, टू पैकेट्स ऑफ स्टिमर एंड सम कैंडल्स। ए कह रहा है हियर आई हैव पैक्ड सम देम ऑफ, नो, ए सबसे लास्ट में कहीं नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, बी ए। अच्छा, सी शॉपकीपर, सिंस वी आर, नो, माला, नो, बी माला, प्लीज, बी से जा रहा सेंटेंस भाई, प्लीज गिव मी अ पैकेट ऑफ बलून्स, टू पैकेट्स ऑफ स्टिमर्स एंड सम कैंडल्स। ये तो कह रहा है, ये सेंटेंस कस्टमर ने बोला। उसके बाद क्या, ए क्या कह रहा है, शॉपकीपर Here I have packed them all. Okay, yes. All किसके लिए है? Balloons, two packets of steamer and some candles. इसे कहते हैं लिंक। माला जो कस्टमर है, कस्टमर डिमांड करता है ना, आप कहेंगे सर मुझे दीजिए, दुकान में जाते हैं, गिव मी सम पैकेट्स ऑफ बलून, समथिंग लाइक दिस, दीजिए दिस। ओके, उसके बाद वो कहेगा यस हियर दीज आर, आई हैव पैक देम ऑल, मैंने ये सब पैक कर दिया, बी ए। फिर कहेगा डी माला, फिर ठीक है, माला बोला, माला ने बोला, उसके बाद शॉपकीपर ने, फिर माला बोला, हाउ मच डू आई नीड टू पे। फिर कह रहा है, माला कह रही है कि कितना पे करने की जरूरत है, हाउ मच शुड आई पे फॉर इट। शॉपकीपर आंसर देगा, सिंस वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट, जब पेमेंट की बात आएगी तब कहेगा, वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट ऑन द बलून्स, यू नीड टू पे ओनली 30 rupees। कस्टमर कहेगा हाउ मच डू आई नीड टू पे, ही इज सेइंग, ही इज आस्किंग हाउ मच, 30 rupees फॉर दैट। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन हो जा रहा है बी ए डी सी। हाउ टू फाइंड अ लिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट If you want to solve this question, okay, these questions, I am talking about jumbled sentences. तो jumbled sentence को तरीका होता है कि link को ढूंढना, link हो रहा है B A D C. 19 देखिए, select the most appropriate option to fill in the blank. Use your logical thinking for dash decisions today as you will certainly succeed. अगर आप सफल होना चाहते हैं, you need to take important decisions. Important के लिए कौन सा word आ रहा है? डेस्परेट तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, डेंजरस आउट अपोजिट, सीवियर ये भी अपोजिट, क्रिटिकल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट। यूज योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर क्रिटिकल डिसीजंस, इफ यू टेक क्रिटिकल डिसीजंस इन योर लाइफ यू विल सर्टनली सक्सीड इन योर लाइफ। तो कहते हैं यू आर सपोज टू, यू नीड टू टेक सम क्रिटिकल डिसीजंस इफ यू वॉन्ट टू सक्सेस, इफ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस या इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन योर लाइफ। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, C for cat. C. Question number 20th. Select the most appropriate option to substitute the underlined statement. Question है आपका with magnify, underlined statement यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ पहले आपके लिए, ये है आपका with magnifying glass, इसको underline किया है, पेपर में आएगा तो ऐसे आएगा, देखना, बता देता आपको मैं। ये है आपका, सॉरी, ये है सेंटेंस में आपका आएगा विद मैग्नीफाई, ये है विद मैग्नीफाइंग ग्लास, ये आपका अंडरलाइन है, ठीक है। विद मैग्नीफाइंग ग्लास वी कैन ऑब्जर्व हाउ मिनट इंसेक्ट्स लाइक एंड्स बिहेव। ओके, विद मैग्नीफाइंग ग्लास, ग्लास इज अ नाउन, and when we talk about singular countable noun we use article a or an, to ho jayega with a magnifying glass। ab aayega
इसको सेटल करेंगे बाय और मैग्नीफाइंग ग्लास, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसको हम सही बोलेंगे बाय, एजेंट हो रहा है तो क्या आना चाहिए बाय और मैग्नीफाइंग ग्लास। ग्लास क्या है आपका काउंटेबल, उसके लिए आर्टिकल आएगा ए, तो हो जाना चाहिए अ। बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास वी कैन ऑब्जर्व हाउ मिनट इंसेक्ट्स लाइक एंट्स बिहेव। बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके। 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तो आपके पास पैसेज है। इस पैसेज को हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। यहां से सेंटेंस सुन रहे हैं, टूरिज्म इज वन ऑफ क्या होती है, फ्रेज होती है वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, ओके। ऑफ आना चाहिए, देखिए यहां से हम ले लेते हैं ऐसे करके, एक मिनट अब आ जाएगा आपका वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट, ऑफ आना चाहिए, देखना है। तो ऑप्शन हो गया आपका ए, बी फॉर बॉल, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड जनरेटिंग, कितना जनरेट करा है भाई देखते हैं जरा कि जनरेटिंग। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट, जनरेटिंग एटमोस्ट एटलीस्ट एट मच और एट लास्ट मिलियन जॉब के जनरेट करता है एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 200 मिलियन जॉब्स। इसका मतलब हो जाएगा बी ऑप्शन जाएगा एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट, बी ऑप्शन इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, 23 में क्या कर रहे हैं देखिए जरा, ऑप्शन में आइए। इट इज वाइटल फॉर द इकोनॉमीज ऑफ डेस कंट्रीज, इनफ मैनी लेस या मच, ओके टेल मी द आंसर, क्या आना चाहिए। अब मैंने दो ऑप्शन बता दिए ना, ऑप्शन बताइए। इट इज वाइटल फॉर द इकोनॉमीज ऑफ मैनी कंट्रीज, कंट्रीज क्या आपका काउंटेबल के लिए क्या आएगा, न तो इनफ आएगा न लेस आएगा न मच, क्या आएगा मैनी कंट्रीज अर्थात अ लॉट ऑफ कंट्रीज, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी फॉर बॉल मैनी कंट्रीज। अब आते हैं नंबर फोर्थ में, 24 में आ जाएगा, सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर फोर, यह आ जाएगा फोर्थ में क्या, देखिए मैनी कंट्रीज द डाउन साइड इज दैट टूरिज्म इज अ मेजर डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज, मेजर क्या है भाई ये बताइए, ऑप्शन लुक एट ऑप्शंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द राइट वन, कौन सा आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर रिवॉल्वर क्वांटिफायर या कंट्रीब्यूटर, जब योगदान देने की बात आ रही है इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, इसका मतलब कंट्रीब्यूट करना, ओके। टूरिज्म इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा ऑप्शन, कंट्रीब्यूटर ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रू द कार्बन डैश इट कॉजेज। अब आता है नंबर 25 में क्या है, कार्बन डैश इज कॉजेस वेरिएशंस ऑप्शंस ओमिशंस या एमिशंस, बताइए। ओमिशन तो हटाना होता है, एमिशन का मतलब होता है कार्बन गैस, ओके अर्थात थ्रू द कार्बन एमिशंस इट EMISSI अर्थात गैस विच कम्स आउट, इसका मतलब गैस या कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब होता है एमिशंस, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ओके। क्लाइमेट चेंज मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रू द कार्बन एमिशंस इट, कौन सा ऑप्शन हो गया नंबर 5 का, डी ऑप्शन हो गया, द कार्बन एमिशंस इट कॉजेस। ये था आपका आज का क्लास का 25 क्वेश्चंस, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 25 क्वेश्चंस राइट हियर एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड देम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज और डाउट्स अबाउट एनीथिंग डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी, ओके। एंड आई वांट यू टू लाइक दिस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेक एडवांटेज ऑफ आवर क्लासेस ऑल द टाइम, ओके। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन मूविंग अहेड एंड कीप ऑन मेकिंग प्रोग्रेस, थैंक यू वेरी मच।